हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको अपने टेक्निकल ब्रेक चैनल पर आपका स्वागत है। टेक से रिलेटेड कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आप उंझा नागरिक सहकारी बैंक आप यूज करते तो आप इसका अकाउंट बैलेंस चेक कैसे करेंगे घर बैठे, इसी के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन लिया हूँ ये देखिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, उंझा नागरिक सहकारी बैंक LTT, और इसी से इन्फॉर्मेशन लिया हूँ जिसे कि आप अकाउंट बैलेंस चेक करेंगे। URL की बात करूँ तो यहाँ URL देखिए, unsb.com.in, ओके, इसी से वो इन्फॉर्मेशन लिया हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा, बैलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर है इस बैंक में रजिस्टर करवा लेना है। जैसे ही मोबाइल नंबर इस बैंक में रजिस्टर करवा लेंगे, फिर आपको क्या करना है, आपको एक नंबर बता रहा हूँ उस पर आपको कॉल लगाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अपना डायल बॉक्स खोल लेना है और नंबर डायल करना है, जो कि नंबर है दोस्तों 9909124991। इस पर आपको कॉल करना है अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से। जैसे ही कॉल करेंगे तो एक रिंग के बाद कॉल ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट हो जाएगा, फिर उधर से एक SMS आएगा जिसमें आपका अकाउंट बैलेंस बता देगा। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन हुआ है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सर्विस वाले सेक्शन में जाएंगे, और फिर हल्का से नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक मिस कॉल बैंकिंग वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए यही वो नंबर मैं आपको बताया हूँ, इस पर कॉल करिएगा। देखिए, विथ दिस फैसिलिटी द कस्टमर हैज़ टू कॉल ऑन मोबाइल नंबर इतना इतना फ्रॉम रजिस्टर्ड, ओके, तो इसी पे कॉल करेंगे तो आपका अकाउंट बैलेंस चेक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे जुड़ी और कोई जानकारी चाहिए तो आप इसके कस्टमर केयर पे भी बात कर सकते हैं, जो कि इसका कस्टमर केयर नंबर ये है दोस्तों, इस पर आप कॉल लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।